हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ रश्मि, अरहान और विकास गुप्ता की डिस्कशन से। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ जो सैटरडे को वीकेंड के बारे में उठाई गई थी बात कि भाई अरहान ने ये बातें करी, उसे घर पे है तो रश्मि कह रही है भाई मुझे समझ नहीं आ रही भाई ये बाहर हो क्या रहा है या क्या है, मेरा ब्रदर भी आगे मुझे बोल गया और अरहान भी अपनी क्लियरेंस दे रहा था, यहाँ विकास गुप्ता उनकी हेल्प कर रहा था शॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये तीनों रश्मि कहती है अभी एंड में ये डिसीजन यही लिया गया कि भाई रश्मि कहती है भाई वो भी कह रहा है कि घर पे कोई बाहर रह रहा था, वो कह रहा है मैं तो कह रहा हूँ मेरे घर वाले भी रोड पे थोड़ा है किसी का घर यूज़ करेंगे, ये भी था एक रीज़न कि चाबी सिर्फ तेरे पास थी, किसी और के पास चाबी यूज़ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे रश्मि ने बोला चलो ठीक है अभी, और दोनों ने यही डिसाइड किया अभी अब ये चीज़ें बाहर जाके सॉर्ट आउट करेंगे, अभी ये आगे चीज़ नहीं बढ़ाते हैं, हम फ्रेंड्स हैं और अच्छे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेंगे। और दूसरी साइड गार्डन एरिया में आसिम और शेफाली टहलते हुए नज़र आए, वहाँ पे आसिम वही बातें कर रहा था अभी हिमांशी बाहर चले गई, भाऊ चले गया, अब हम दोनों रह गए हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, कहीं कहीं आसिम को भी लग रहा था कि मेरा अब घर के अंदर दोस्त कोई नहीं है तो मैं दोबारा शेफाली को पटा लेता हूँ, जबकि थोड़े दिन पहले ही अभी शेफाली से उसकी घमासान बहस भी हो गई थी और लड़ाई भी थी पिछली कैप्टन टास्क के अंदर, बट यहाँ पे आसिम और शेफाली दोनों आपस को एक दूसरे को पैचअप करते हुए नज़र आए। तीसरी जगह कुकड़ू, यहाँ पे अभी तक जो अपना विशाल था उसको अभी तक समझ नहीं आई भाई ये दिन में सोना नहीं है बिग बॉस के घर में, कल वो फिर गार्डन एरिया में एक सोफे के ऊपर सोता हुआ मिला तो बिग बॉस ने फिर कुकड़ू बजा दिया। यहाँ पे विकास गुप्ता ने आया भाई तुम क्या कर रहे हो यार, इतनी देर हो चुकी है, बार बार समझा चुका हूँ, तुम फिर वही बातें कुकड़ू हो जा रही हैं। विशाल ने कहा भाई मैं सो नहीं रहा था, बट कुकड़ू बजाई गई बिग बॉस द्वारा क्योंकि विशाल वहाँ पे सो रहा था सोफे के ऊपर। तो यहाँ पे विकास गुप्ता ने उसको सजा भी दे दी भाई अंदर माइक्रोवेव जो गंदा पड़ा है इतने से साफ नहीं हुआ तो उसको जाके साफ करेगा, वहाँ पे जब साफ कर रहा उसने विशाल ने ये भी बोल दिया उसको भाई विकास गुप्ता विकास भाई ऐसा कि जो सुबह जो वॉशरूम है जो मेल साइड का है वो साफ़ नहीं हुआ तो ड्यूटी आरती की थी आरती को बोलो। यहाँ पे विकास गुप्ता ने आरती को बोला, आरती भी वो वॉशरूम साफ़ नहीं हुआ ये है वो है, आरती पहले थोड़ा सा विशाल से उसका बहसबाजी हुई, कहती है ठीक है मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं मैं नहा चुकी हूँ मैं अब साफ़ नहीं करूँगी बाद में साफ़ करूँगी, तो इस बात को लेकर काफ़ी बहसबाजी वहाँ पर हुई। फिर यही बात जाके वहाँ पे जिसे कहते हैं रश्मि बीच में कूद पड़ी, रश्मि ने कोई बात बोल दी उसको बुरा लग गया, वहाँ पे रश्मि और आरती की बहुत घमासान हो गई वॉशरूम के अंदर। बिग बॉस अब सारे बैठे बातें कर रहे थे, बिग बॉस ने बोला शहनाज तुम कन्वेंशन रूम में आ जाओ, शहनाज वो पता है चुलबुली है फटाफट मेरी लिपस्टिक दो। अरे तो बिग बॉस से बात करने आ रही है लिपस्टिक लगाती हुई जा रही है, जैसे ही शहनाज वहाँ पे पहुंची वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही बैठा हुआ था, वहाँ पे बिग बॉस ने कहा भाई शहनाज तुम बहुत मिस कर रही थी, हाँ सर बहुत मिस कर रही थी, तो ठीक है सिद्धार्थ को फिर अपने साथ ले जाओ, तो वो सिद्धार्थ गुप्ता को थोड़ी सी एक्टिंग करी भी सिद्धार्थ गुप्ता नहीं आएगा ये है वो है, तो घर वालों को बोला भी सिद्धार्थ शुक्ला आ गया, तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छी तरह सबसे मिला, बहुत बढ़िया ढंग से गजरे मिला, यहाँ पे आसिम भी अच्छी तरह मिला, और घर वालों ने ये भी बताया अभी आसिम ने कल तुम्हारे लिए एक गाना भी गाया था, तो उसके बाद आसिम और जो सिद्धार्थ शुक्ला की थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी दिखी मेरे को वहाँ पे बात करते हुए। अब एक कोने में आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला बैठे आपस में बातें कर रहे थे, दूसरी साइड पारस अपना मायरा और ये इन सबको ये चीज़ आरती को ये चीज़ पच नहीं रही थी कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला आसिम से बात क्यों कर रहा है, उन्होंने शहनाज को बोला भी भाई ये मुझे गलत लग रहा है यार हमें पसंद नहीं आ रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला दोबारा आसिम से बात क्यों कर रहा है, और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला आसिम से वही बातें कर रहा था भाई देख मैंने तेरे को जो जो बोला था कि तेरी दोस्ती जिनसे बन रही थी भाऊ से बन रही थी शेफाली से बन रही थी उसके बता रहे थे, मैंने तेरे को पहले बोला था ये सब टेम्परेरी है ये चीज़ें होंगी और वही हुई, मैंने पूरा कन्फेशन रूम में बैठ के यही देखा है अपना सीक्रेट रूम में कि जो जो ये चीज़ें तू मैं तेरे को बताई थी वो सारी चीज़ें तेरे साथ हुई हैं, तो वहाँ पे पारस आसिम ने बोला हाँ बात तो तेरी ठीक है कि भाई ये सही था, तो कहता तेरे को मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़ें सब होंगी और वही सारी चीज़ें हुई हैं, और दूसरी साइड वो शहनाज को भी समझाता हुआ मिला कि भाई तू एक चुलबुली है एक अच्छा है तेरे को डंप कहते हैं तो डंप रहे तुझे कहती ये इंटेलिजेंट बनने की है, वो बात कर रहा था अभी वहाँ पे कि रश्मि की कि रश्मि तुझे पंप करने की कोशिश कर रही है तू कभी बीच में पंप हो जाती है तो भी पंप क्यों हो रही है तू अच्छा गेम खेल रही है बढ़िया चल रही है सबको प्यारी लगती है सारे बाहर से आते हैं तुझे प्यार करते हैं सब स्वीट कहते हैं तेरे को बट तू अपना यूं ही गेम खेलती रहे तू किसी के पंप में क्यों आ रही है, जो रश्मि और ये तेरे हैरान वाला पंप कर रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है तेरे को। बिग बॉस ने सबको दोबारा गार्डन एरिया में एकत्रित कर लिया, अब बोला अभी अगले वीक की नॉमिनेशन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसमें अंदर क्या था कि भाई गार्डन एरिया में कुछ बॉटल्स रख दी गई थी जो कि शुगर कोटेड बॉटल्स होती हैं, हर एक प्लेयर को आना था और दो दो प्लेयर को नॉमिनेशन में डालना था, ऊपर सर पे बॉर्डर फोड़नी थी और बताना था अभी उसको रीज़न क्या दिया गया है, इसी तरह सारे प्लेयर एक एक करके आते रहे सबको अपने अपने रीज़न देते रहे, तो कल जो घर से बेघर होने के लिए प्रक्रिया में आए वो आए पूरे 7 सदस्य, जो 7 प्लेयर्स हो गए वो नॉमिनेशन में आ गए, सिद्धार्थ शुक्ला पहली नॉमिनेशन में था और 6 कल और नॉमिनेशन में आ गए।
और जो 6 में थे वो थी मधुरिमा, एहरान, आरती, आसिम, शेफाली बग्गा और विशाल। और वही है, जब मधुरिमा और विशाल नॉमिनेशन में आ जाते हैं उनका प्यार फिर जागृत हो जाता है, फिर वो प्यार दिखाना शुरू कर देते हैं, आपस में बातें करनी शुरू कर देंगे, ये है वो है, रात को सोते हुए भी देखा गया वो दोनों एक दूसरे प्यार के बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। तो भाई ये तो नॉमिनेशन में आओगे तो बातें करनी शुरू हो जाती है और प्यार भावनाएं इनमें जागृत हो जाती है, विशाल में और मधुरिमा के अंदर। यहाँ पे बिग बॉस ने भी रात को बोल दिया, वो खुसर बातें कर रहे थे, बिग बॉस ने कहा भाई यहाँ पे खुसर करने बातें करनी अलाउड नहीं है, जो बातें करनी है लाउडली करो। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला भी भड़क गया, भाई तुम ना सो रहे हो ना हमें सोने दे रहे हो, दिन में जो मर्जी करो, जितने मर्जी की प्लानिंग बनाओ, ये क्या मतलब हो तुम रात को प्लानिंग बनाने लगे हो, और कम से कम कुछ तो ख्याल रखो, दूसरे बंदे सो गए हमें नींद नहीं आ रही। तो वहाँ विशाल सॉरी करता हुआ बात को ख़त्म की उसने। दोस्तों ये तो थी कल के एपिसोड के बारे में, अब जो आज एपिसोड रहेगा उसके बारे में। तो आज जो शहनाज है, जैसे कैप्टन टास्क खेला जाएगा, तो आज शहनाज भड़क पड़ेगी पारस के ऊपर, क्योंकि शहनाज चाहती है कि पारस मुझे में सपोर्ट करे, वो कैप्टन बने, पर वहाँ सपोर्ट फिर बोलता है कि मैं मायरा को कैप्टन बनाऊंगा। तो यहाँ शहनाज को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और सबको एकदम सिद्धार्थ शुक्ला भी बोलती है क्या मतलब है पारस हमेशा उसी को क्यों करता, लाइक करता है भाई, ये क्या मतलब हुआ, जब भी कोई बात आती है, कोई भी सपोर्ट करने की बात आती है, वो सिर्फ मायरा को सपोर्ट करता है, मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर विशाल पारस को बोलेगा भी पारस क्या अभी वो तेरे से इतना तेरे को लाइक करती है, तेरे को प्यार भी करती है और आई लव भी बोल चुकी है, और ये कहती है पारस झटके से बोलेगा मैं प्यार तो मायरा से करता हूँ। तो यहाँ पे शहनाज और पारस ही अच्छी बड़ी झड़प देखने को मिलेगी आज। और दूसरी साइड वो जो शेफाली बग्गा है वो बैठे अपना जो बातें कर रहे थे उसके साथ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, और आरती थी वहाँ पे, जो अरहान है उसे बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है, अरहान भी वहाँ पे आगे बात करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आरती जो अपना रश्मि को जब पता लगेगी भाई ये बैठे थे बातें कर रहे थे कि रश्मि शेफाली बग्गा को भाई वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है, तो उसको बहुत वहाँ पे ना जिसे कहते हैं कि जल बुन जाएगी वो हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ आप अपना अरहान को सुनाती हुई मिलेगी भी वो। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस रिव्यू लेके, तब तक के सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।